आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन सोशल वेलफेयर IMS संस्थान के द्वारा आज 11वीं 12वीं की साइंस और कॉमर्स के बच्चों का क्विज कंपटीशन रखा गया। साथ ही साथ बच्चों को बताया कि 12वीं के बाद इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा और भी क्षेत्र है जिसमें वह जा सकते हैं। साथ ही बच्चों के साथ उनके गार्जियन को भी काउंसलिंग बुलाया गया। इस क्विज को प्रतियोगिता में आगरा शहर व देहात के 600 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। मैं डॉक्टर मोहित दीक्षित आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि आज यहाँ पे बच्चों को बुलाया गया है, काफ़ी बच्चे आए हैं साइंस और कॉमर्स के, तो उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चों को मतलब स्कूल में स्टडी कम और कोचिंग में ज़्यादा स्टडी हो रही है और पढ़ाई के मामले में बहुत जगह नहीं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बच्चा जो है वो स्कूल में जाकर के पढ़ाई के प्रति बहुत सिंसियर नहीं होता, तो ये एफर्ट्स जो है हम लोगों को करने पड़ रहे हैं। जितने भी CBSE के स्कूल आगरा में हैं वहाँ कोई ऐसी कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है, ना CBSE की तरफ से ना स्कूल की तरफ से। चूँकि ये व्यवस्था नहीं है तो हम लोगों ने ये एक स्टेप उठाया है कि हम कम से कम बच्चे को आगे उसके फ्यूचर के बारे में जागरूक करें, बच्चों को ये बताएं कि उसके पास 12th के बाद कौन कौन से ऑप्शन हैं। साथ ही साथ क्विज के माध्यम से बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को कलेक्ट किया है हमने, और स्पेशली कॉमर्स और साइंस को इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ कोर्स कराती हैं। बच्चे के लिए कौन सा कोर्स, एक्चुअली साइंस का बच्चा दो चीज़ें जानता है कि उसको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग करना है। इसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शन उसके पास रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसके पास हैं, जानकारी नहीं है, इसलिए वो एक ही तरफ भागता है। और आज स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पास एडमिशन नहीं है क्योंकि क्वालिटी वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं और बच्चा की जो दौड़ थी, अंधी दौड़ थी, वो रुक गई है। इस पूरे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चे के पास ये चीज़ पहुंचाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है 12th के बाद। तो खाली इंजीनियर मत बनिए, खाली डॉक्टर मत बनिए, या ये मत सोचिए कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग नहीं कर पाए आप तो आप बेकार हो गए। आपके पास इसके बाद भी इतने बढ़िया ऑप्शन हैं कि जब आप मार्केट में जाएंगे और अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, इतनी बढ़िया सैलरी पे आप जाएंगे। आपका ही फील्ड है, जर्नलिज्म का फील्ड है, जर्नलिज्म के बारे में कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, और वो नहीं जुड़ पा रहे हैं इससे। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका एक ये बेसिक थीम है कि बच्चों को अवेयरनेस लाएं बच्चों के बीच में। कुछ बच्चों पे प्रेशर भी रहता है माँ बाप का कि नहीं आपको यही करना है, तो हाँ वही देखिए ये सारी चीज़ें तो हम लोग गार्जियंस को भी बुलाएंगे, अगर गार्जियंस के माध्यम से ही बच्चों को यहाँ बुलाया गया है और ये सारी बातें उनके पेरेंट्स को समझाई गई हैं कि बच्चे को हम यहाँ क्यों बुला रहे हैं, खाली नाश्ता करने के लिए नहीं बुला रहे हम, और उनकी सहमति है इसमें, इसीलिए ये सारा कार्यक्रम आज इतना सफल हो पा रहा है। ये काउंसलिंग तो निशुल्क है हमारे यहाँ पे, और बच्चा थोड़ा सा सिंसियरली आए इसके लिए एक बहुत नॉमिनल चार्ज हम लोगों ने 100 रुपीज़ रखा था, जिसमें भी हम उसको वापस कर रहे हैं स्टेशनरी के माध्यम से, और नाश्ता उन लोगों को है उन बच्चों के लिए सारे सारे। मैं डॉक्टर सुनील उपाध्याय आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन का फाउंडर हूँ। आज आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन के बैनर तले IMS और TGC ने इस कार्यक्रम को रखा है ओपन क्विज, जिसमें बच्चों के टैलेंट को चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है बच्चों की तैयारी कितनी है एग्ज़ाम को लेकर। 11th 12th के आप देख रहे हैं अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर कितने प्रिपेयर हैं। इसके साथ साथ हम लोग इन बच्चों को अवार्ड भी देंगे, और इसके अलावा लास्ट ईयर जो बच्चा आगरा में टॉप आया था बच्ची, उसको भी आज हम सम्मानित करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे मोटिवेट हों और उसको आगे तैयारी में आगे बढ़ाएं। पहली बार कार्यक्रम इस तरह हो रहा है? हाँ, दरअसल ये हमारा पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को हर साल इसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, कितनी सफलता तक जा रहा है। मैं सिर्फ देवदत्त चौहान, आई एम द ओनर ऑफ ट्रस्ट वे करियर गाइडेंस, आई एम अ काउंसलर। यहाँ पर आज में स्टूडेंट 11th और 12th के बुलाए के लिए किस लिए और कार्यक्रम क्या है? यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हमने क्विज कंपटीशन रखा है, जिसमें 12 टीम है, 12 टीम में 6 टीम हमारी कॉमर्स की हैं और 6 साइंस की हैं, और बच्चों को थोड़ा सा अभी उनके बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, इस तरह की प्रोग्राम यहाँ रखा है। अप्रॉक्सीमेटली 12 यूनिवर्सिटी यहाँ आई हुई हैं जो डिफरेंट एरिया से हैं, और वो डिफरेंट एरिया के अपने अपने फील्ड से अपने अपने प्रोग्राम के बारे में उनको बच्चों को गाइड कर रहे हैं, और आफ्टर 12th उनको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम उनको देने चाहिए, वो सभी उनको बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।